गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त और कोच प्रतोष चटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज मैं सीबीएसई क्लास 7 का साइंस टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, उसको स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये चैप्टर में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं, न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोक्योर करते हैं जिससे कि वो अपना खाना बनाते हैं, वो सस्टेन करते हैं या जिंदा रहते हैं। इसके बारे में हम आगे आज चर्चा करने वाले पांच पार्ट से, विच विल बी 1.1 से लेके 1.5 तक। तो मैं आज ट्राई करूंगा 1.2 तक कंप्लीट करने की और आगे के पार्ट्स हम लोग अगले से पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप लोगों ने क्लास 6 में ये पढ़ा ही होगा कि जो फूड होता है ना, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक नेसेसिटी होती है, एक जरूरत होती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो सब है ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली आर क्वाइट नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत होती है, पर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, पर ऐसे ही एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं कर सकते। क्यों, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसे कुछ स्पेशलिटी होती है, ऐसे कुछ स्पेशल चीजें होती है जिससे वो खाना बना सकती है, ताकि एनिमल्स या फिर ह्यूमंस इस चीज को लैक करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअली क्लोरोफिल, जो प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में डेप्थ में हम आगे के पार्ट्स में चर्चा करेंगे। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो हम ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, हमें न्यूट्रिएंट्स उन एनिमल्स को खा के मिलता है जो प्लांट्स खाते हैं, या फिर उन प्लांट्स को खाकर मिलता है। Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो मतलब plants में हम humans या animals directly या indirectly dependent तो होते ही है, वरना हम survive कैसे करेंगे। अभी part 1.1 पे हम चलते हैं, mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using वॉटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये एक पॉइंट नोट करने वाली है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वॉटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इस लिस्ट में हम आगे भी चीजें ऐड करते रहेंगे। न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी या ऑर्गेनिज्म खाने का इनटेक करती है, और उस खाने से मिलने वाले जो हमें न्यूट्रिशंस है या फिर जो उससे हमें नरिशमेंट मिलती है, उसका हमारा बॉडी कैसे यूटिलाइजेशन करता है, यही न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है। अब हम आगे पढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, वो एक मोड ऑफ नरिशमेंट है, मतलब न्यूट्रिशन है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप सिंपल सब्सटेंसेस से अपना खाना बनाता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब अगर हम दो वर्ड्स में डिवाइड करें तो कैसे होगा, ऑटो एंड ट्रॉप्स। ऑटो क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रॉप्स क्या होता है, नरिशमेंट। सो देयरफॉर प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, एंड एनिमल्स एंड मोस्ट अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड, या फिर वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स का डिवीजन वर्ड्स के बेसिस पे क्या होगा, हेटरोस, अदर्स एंड ट्रॉप्स, वही नरिशमेंट। अब हम पार्ट टू पे जाएंगे।
फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो आप बेसिकली क्या देख रहे हैं, जो लीव्स होते हैं ना, ये हमारे प्लांट के फूड फैक्ट्रीज होते हैं, यहाँ पे फूड का प्रोसेसिंग होता है या फूड बनना स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे सारे के सारे जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, मतलब आपके घर में अगर खाना बनता है, खाना बनने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, सपोज अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हो, तो फिर आपकी मॉम को आलू लगेगी, मसाले लगेंगे, मटर लगेगी, तो ये जो रॉ मटेरियल्स है ये सारे लीव्स के पास जाते हैं। जैसे कि ये सारे आपको सब्जी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ जाएंगे, किचन में। वैसे प्लांट्स में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स जाते हैं लीव्स में। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो ना लीव्स के सर्फेसिस में मिलता है, और उस स्टोमेटा को गार्ड सेल से सराउंड किया जाता है। ये ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऊपर एक ब्लू बॉक्स देख सकते हैं जिसमें सेल का डायग्राम दिया हुआ है फिगर 1.1 में। वहाँ पे आपको तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये ना आपके सेल का स्ट्रक्चर होगा। तो सेल बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका घर होता है वो ईंटों से बनता है, ब्रिक से बनता है, सिमिलरली जो आपकी बॉडी होती है वो सेल से बनती है। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के जो यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब क्या होता है, जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं। सेल्स जो होते हैं उनको हम अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं, वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। सो अभी हम एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सेल इज इंक्लोज्ड बाय अ 10 आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन एंड मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्टिव सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब आपकी आंख, ठीक है, आप अपने आंख को इमेजिन कीजिए, आपके आंखों के बीच में जो एक काला बॉल घूमता है जिसको आप आयरिस बोलोगे, वो तो काला बॉल है, आप उसको इमेजिन कीजिए, वो है आपका न्यूक्लियस। और उसके सराउंडिंग में जो वाइट सब्सटेंस है जेली लाइक, उसको आप समझोगे साइटोप्लाज्म। और आपका जो आई लिड्स है जो आपके सराउंड करते हैं उसको, या उसको कंटेन करते हैं आपके आई बॉल को, वो जो लिड्स है वो लिड होंगे आपके सेल के सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो ये जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ये बहुत इजीली ना पूरे प्लांट में मूव करते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं टूवर्ड्स द लीव्स। ये कैसे होता है, ये होते हैं वेसल्स से, वेसल्स के कारण। वेसल्स ना बेसिकली सिंपल वर्ड में एक पाइपलाइन होती है जो पूरे के पूरे प्लांट से गो थ्रू करती है, जो या तो स्टेम होती है, उसके ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, उन सब से ये वेसल्स पास करते हैं और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट बॉडी में। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिस कारण से वो सनलाइट को ट्रैप कर सके फॉर द एनर्जी दैट इट कंटेन्स द सनलाइट, वो ग्रीन पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। सो एनर्जी यूज्ड इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का बेसिक मतलब है प्रिपेयर करना, सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो हमने पहले सुना पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से हम लोग मतलब प्लांट्स खाना बनाते, वो खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। और वो सनलाइट को प्लांट कैसे अब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस से। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
अभी आपके अगर सनलाइट प्रेजेंट हो तो फिर तभी वो तुम्हारा सनलाइट अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगा तभी वो क्लोरोफिल उसको ट्रैप करेगा, रात में नहीं ट्रैप करेगा, रात में वो खाना नहीं बनाते बैठेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लाइट के प्रेजेंस में अगर तुम्हारा फूड का सिंथेसिस हो रहा है या फूड प्रिपेयर हो रहा है इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग अगर दो वर्ड्स में डिवाइड करके देखे तो क्या होगा, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। सो अभी हम लोगों को क्या पता चला, खाना बनाने के लिए प्लांट को क्या क्या लगता है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये चार चीजें हमको लगती है, मतलब उनको लगती है खाना बनाने के लिए एंड टू कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इससे हमको क्या पता चलता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, इन ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस। और डेजर्ट में हम क्या देखते हैं, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बहुत धूप होती है वो लोग, और पानी की शॉर्टेज, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ना ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए, ट्रांसपिरेशन बेसिक वर्ड्स में आप अगर ह्यूमंस में देखो तो उसको स्वेटिंग बोलते हैं, जो आप स्वेट करके वाटर को अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हो, वो चीज़ प्लांट्स भी करती है अगर उनको बहुत ज़्यादा सनलाइट लगे या धूप लगे। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए डेजर्ट में, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी की वैसी कमी होती है, वो लोग क्या करते हैं, उनके बॉडी ना पहले से इवॉल्व होती है, प्लांट्स की बॉडी पहले से इन्वॉल्व होती है, तो उनकी जो बॉडी होती है या तो स्केल स्ट्रक्चर होती है या फिर उनकी जो लीव्स होते हैं स्पाइन स्ट्रक्चर के होते हैं। दिस हेल्प्स देम रिड्यूस द वाटर शॉर्टेज। और ये जो प्लांट्स होते हैं जो हमारे डेजर्ट्स में होते हैं, इनके लीव्स तो ग्रीन होते ही है, पर बेसिकली क्योंकि लीव्स इनके इतने कम होते हैं, स्पाइन लाइक होते हैं, इनके स्टेम्स ग्रीन होते हैं, जिससे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में खाना इन प्लांट्स में स्टेम्स में बनता है। अभी आप एक जगह पे नोट कर सकते हो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसका इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एरो सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अगर हम लोग उसको देंगे प्लांट को, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये प्रेजेंस में वो आउटगिव में क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट से उसको एनर्जी मिलेगी जो उसका खाना होगा बेसिकली, और ऑक्सीजन वो एनवायरनमेंट पर रिलीज कर देगा जिससे ह्यूमन इनहेल करते हो और जिससे हम लोग सस्टेन या फिर जिंदा रहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपके प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो, अगर उस लीव के मतलब लीफ में अगर स्टार्च हो तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। आपने छोटे में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप लीफ लोगे और उसका आयोडीन टेस्ट करोगे, एक दो दिन के बाद आप देखोगे कि लीफ थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक कलर का हो गया है, ये उसी टेस्ट का रिजल्ट है। उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, आयोडीन के कारण वो ये ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्टिविटी 1.1 में यही दिखाया गया है, आप इसको फर्दर इंफॉर्मेशन और पढ़ सकते हो। The leaves other than the green also have chlorophyll. Large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. तो आप figure 1.4 में देख सकते हो कि कुछ blue, purple, red, ये थोड़ा सा yellowish, dark green color के leaves दिखाए हुए। Chlorophyll इनमें भी है, पर क्या हुआ, इनके अंदर जो pigments है red color के और purple color के, उन पिगमेंट्स ने जो क्लोरोफिल का ग्रीन पिगमेंट है उसको ओवरशैडो कर दिया,
जिस कारण इसके अंदर क्लोरोफिल है, पर जो कलर आता है इसका ओवर शेडो करने के कारण ऐसे रेड या फिर पर्पल दिखता है। पर आप हर इमेज में देखिए, आपको हल्का हल्का ग्रीनिश दिखने ही वाला है, जो क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण होता है। जैसे कि आप उस पिंकिश ग्रीन कलर के लीफ को देख सकते हैं, या फिर वो रेडिश ग्रीन कलर के लीफ को, या फिर द बिगेस्ट लीव इन द पिक्चर जिसके कॉर्नर्स में ग्रीन पिगमेंट है। अगर आप कभी ऐसे रिवर बॉडी के पास या फिर पॉन्ड के पास गए होंगे तो आपने वहां पे फिसलन देखी होगी। दिस इज यूजुअली सीन ड्यूरिंग द मॉनसून वेदर। ऐसा क्यों होता है? वहां पे मॉस जम जाती है। मॉस मतलब हम लोग हिंदी में उसे मॉस बोलेंगे, पर वो ना एक्चुअली एल्गी होता है। एल्गी क्या होता है? एल्गी भी ग्रीन कलर की होती है। क्यों? बिकॉज एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल, और वो खुद का खाना भी खुद बना सकते हैं। वो यूजुअली वैसे ही पानी में, जब हमारे मॉइस्चर को कंटेंट में वो ज्यादा उगती है। आप कभी देखिएगा, जब आप ऐसे पॉन्ड्स या फिर पुकूर को पास करेंगे, बंगाली में इसको पुकूर बोलेंगे, अब जब इसको पास करेंगे आप देखोगे कि रिवर बॉडी के ऊपर स्टैग्नेंट होने के बाद ग्रीन ग्रीन या फिर ब्राउन ब्राउन करके ऐसे सर्फेसिस में सर्कल्स बन जाती है। वो सर्कल्स ही होती है बेसिकली एल्गे। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, द जो हम लोग बोल रहे द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, तो आप जो ये कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हो कि वो प्लांट का खाना होगा, वो बेसिकली क्या चीजों से बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो आपको यही जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, इसी से सिंथेसिस होते प्लांट के फूड के दूसरे कंपोनेंट, जो क्या होते हैं? प्रोटीन या फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन प्लांट को कैसे मिलेगा? मतलब अगर उसको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन जैसे आप बोलते हो कि प्रोटीन इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, तो प्लांट्स में भी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन तो नाइट्रोजीनियस बेस होता है, मतलब उसका बेस नाइट्रोजीनियस होता है। तो प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट उसको देता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। नाइट्रोजन उसको कैसे मिलता है? आपने अगर याद कर सकते हो तो आपको ये पता होगा, हमारे जो मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो जो नाइट्रोजन का कंटेंट सबसे ज्यादा है उसको ना प्लांट ऐसे इंटेक नहीं कर सकता। तो क्या होता है, सॉइल में ना ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को इनहेल करके या फिर उसको अब्सॉर्ब करके उसको ऐसे गैस में कन्वर्ट करते हैं, या गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि प्लांट उसको यूज कर सके। तो प्लांट उस चीज को, मतलब उस गैस को या फिर उस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करती है। और आप कभी कभी ये भी देखते होंगे कि जो फार्मर्स होते हैं, नाइट्रोजन मतलब जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, रिच इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उनको वो सॉइल में ऐड करते हैं। तो इस कारण से या इससे जो प्लांट्स की जो नरिशमेंट के लिए जरूरत होती है, जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, सो दैट दे कैन गेट प्रोटीन, सो बाय दिस दे कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। Plants can then synthesize proteins and vitamins. So, part 1 में यहीं पे खत्म करता हूँ, और हम लोग part 2 के साथ फिर से जल्दी ही लौटेंगे। एंड तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल CBSE Crack, और अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल तो आप प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और थैंक यू।